हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त विप्लव। आप देख रहे हैं अभी विप्लव टेक्नोलॉजी चैनल। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी यूट्यूब वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखते हैं, नहीं तो कंप्यूटर में देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, वीडियो के लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर हम लोग एक लोगो देखने को मिलता है। देखिए, वो लोगो हो सकता है आपका चैनल का लोगो, नहीं तो अदर कोई लोगो भी इसमें सेट कर सकते हो। और देखिए, वो ऐसा नहीं है आपका वीडियो को एडिट करने के टाइम लोगो को सेट करना है, उस लोगो को सेट करने के लिए आपको पहले से उसको सेट करना पड़ेगा। और मैं आपका इस वीडियो में दिखाऊंगा आप लोग कैसे आप भी आपके YouTube चैनल पे लोगो को सेट करना है, वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। और अंत तक देखने के बाद आपको थोड़ी सी यूजफुल और एनर्जेटिक लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलते हैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। इसलिए आप लोग मेरा वीडियो को देखने के बाद एक लाइक करते रहना। और आप लोग मेरा चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उससे भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग सबसे पहले मेरा वीडियो को देख सकते हो। और आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं अब इंस्टाग्राम आईडी पे भी एक्टिव रहता हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आप सभी को दिखा देते हैं। चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप भी आपका यूट्यूब वीडियोस की कॉर्नर पे आपका लोगो को सेट कर सकते हो। देखिए, आप चाहे तो आपका चैनल का जो लोगो है उस लोगो को ही सेट कर सकते हो, नहीं तो कोई नया लोगो को भी सेट कर सकते हो। और लोगो को सेट करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल का गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। मैं भी मेरा मोबाइल का गूगल क्रोम को ही ओपन कर लेता हूँ। और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोग सबसे पहले सर्च फीचर में लिख लीजिए www.youtube.com। लिखने के बाद उसको सर्च कर दीजिए, मैं भी इसे सर्च कर देता हूँ। और सर्च करने के बाद अभी आपका यूट्यूब ओपन होके आ जाएगा। देखिए, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपका यूट्यूब को डेस्कटॉप मोड पे ऑन करना पड़ेगा। और डेस्कटॉप मोड को ऑन करने के लिए ऊपर देखिए आपका 3 डॉट देखने को मिल जाएगा, सिंपली से 3 डॉट को प्रेस कर दीजिए। और 3 डॉट को प्रेस करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट, इसे सिंपली से टिक कर दीजिए। और टिक करने के बाद अभी आपका यूट्यूब डेस्कटॉप मोड पे ओपन होकर आ जाएगा। और अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका यूट्यूब चैनल का जो जीमेल आईडी है ना, उसी जीमेल आईडी से आपका गूगल क्रोम को लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद ऊपर देखिए आपका चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपका चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका चैनल का लोगो को प्रेस कर दीजिए। मैं भी इस लोगो को प्रेस कर देता हूँ। और इस लोगो को प्रेस करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा YouTube स्टूडियो, इस YouTube स्टूडियो को प्रेस कर दीजिए। मैं भी YouTube स्टूडियो को प्रेस कर देता हूँ। और YouTube स्टूडियो को प्रेस करने के बाद अभी आपका YouTube स्टूडियो ओपन होकर आ जाएगा। और ओपन होने के बाद पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और जूम करने के बाद देखिए इधर पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए इधर पे आपको देखने को मिल जाएगा कस्टमाइजेशन, जैसे कि ए मैं इसे प्रेस कर देता हूँ कस्टमाइजेशन को। और कस्टमाइजेशन को प्रेस करने के बाद देखिए आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा, देखिए इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ब्रांडिंग, इस ब्रांडिंग को प्रेस कर दीजिए। मैं भी इसे प्रेस कर देता हूँ। और इसे प्रेस करने के बाद देखिए इसमें आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिल जाएगा, देखिए इसमें आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें आप चाहे तो आपका चैनल का लोगो को सेट कर सकते हो, नहीं तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो आपका चैनल का बैनर को भी सेट कर सकते हो, नहीं तो चेंज कर सकते हो। और इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो वाटरमार्क, इसमें आपका वीडियो को जो कॉर्नर पर आपका चैनल का लोगो को सेट कर सकते हो। ये देखिए आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो वाटरमार्क। और देखिए इसमें आपका चैनल का कोई भी लोगो को सेट करने के लिए इसमें आपको देखने को मिल जाएगा अपलोड, इस अपलोड को प्रेस कर दीजिए। मैं भी प्रेस कर देता हूँ। और प्रेस करने के बाद आपका गैलरी का सभी पिक्चर इसमें देखने को मिल जाएगा। और अभी आप चाहे तो आपका गैलरी से कोई भी फ़ोटो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसमें देखने को मिल जाएगा ब्राउज, इसे प्रेस कर दीजिए। मैं भी इसे प्रेस कर देता हूँ। और इसे प्रेस करने के बाद अभी आपका गैलरी से कोई भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इस फ़ोटो को इसमें सेट कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसमें आपको देखने को मिल जाएगा नीचे देखिए डन, इस डन को प्रेस कर दीजिए। मैं भी इसे प्रेस कर देता हूँ। और प्रेस करने के बाद देखिए इसमें आपका चैनल का लोगो आ चुका है, देखिए इसमें आपका लोगो आ चुका है। और देखिए आप चाहते लोगो को आपका वीडियो के लास्ट में सेट कर सकते हो, नहीं तो इस आपका वीडियो का फास्ट में सेट कर सकते हो, नहीं तो आपका वीडियो का पूरा वीडियो में सेट कर सकते हो। देखिए इसमें आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिल जाएगा, मैं पूरा वीडियो में सेट करना चाहती हूँ, इसे प्रेस कर देता हूँ।
और क्लिक करने के बाद इसे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर देखने को मिल जाएगा पब्लिश, इस पब्लिश को प्रेस कर दीजिए। और पब्लिश को प्रेस करने के बाद ये वाला लोगो आपका वीडियो में सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आपका यूट्यूब वीडियोस की कॉर्नर पे आपका लोगो को सेट कर सकते हो। ये वीडियो आप सभी यूट्यूब क्रिएटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसे भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमेशा लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।